हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूँ दरक्षा। आज मैं मामा अर्थ उपटन फेस मास्क का रिव्यू शेयर करूँगी। और ये है प्रोडक्ट, इस तरीके का पैकिंग में आता है ये मामा अर्थ उपटन मास्क विथ सैफ्रॉन टर्मरिक एंड एप्रिकोट ऑयल फॉर स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग, पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री, हाइपोएलर्जेनिक विथ बायो एक्टिव। यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट दिया हुआ है एंटी एजिंग लाइटनेस ब्राइटनेस स्किन मैट विथ नेचुरल इंग्रेडिएंट। की इंग्रेडिएंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसका बहुत सारे इंग्रेडिएंट है इसमें डला हुआ। यहाँ पे ये सारा इंग्रेडिएंट यहाँ पे मेंशन है। ये इसका इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर बहुत सारा इंग्रेडिएंट दिया हुआ है। टर्मरिक, मलवरी, कुकुम्बर, पपाया, पेशील ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, सैफ्रॉन ऑयल है इसमें, सारे इसमें इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे आपको यूज करने का डायरेक्शन दिया हुआ है। फेस वॉश यूज करना है, सल्फेट फ्री फेस वॉश यूज करना है। उसके बाद फेस मास्क को अप्लाई करना है, 15 मिनट के लिए इसको अप्लाई करके रखना है। फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए इसको निकालना है। नॉर्मल वाटर से इसको धोएंगे, गर्म पानी यूज नहीं करना है इसमें। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसको वीक में एक बार यूज करना है। टिप्स दिया हुआ है, टिप्स फॉर ब्राइट एंड रेडियंस स्किन। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट पे ये रूल लिखा रहता है, इसमें रूल यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप इसका कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, सारे प्रोडक्ट पे ये रूल लिखा रहता है। 8 घंटे के लिए आपको नींद जरूरी है, 8 गिलास वाटर डेली का पीना है। उसके बाद यहाँ पे दिया है ड्रॉप ऑफ हनी लेमन का मसाज करना है डेली, कर सकते हैं आप इस तरीके से। 10 मिनट के लिए फेस पे हनी और लेमन मसाज कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा स्किन निखर जाता है। डेली का सनस्क्रीन आपको यूज करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है मेन एंड वोमेन ऑफ ऑल एज, कोई भी एज वाले इसको यूज कर सकते हैं। सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। इसका यहाँ पर MRP दिया हुआ है 499, 499 रुपये का है। 100 ग्राम प्रोडक्ट है इसमें। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है। इसका प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट होता है, मैं इसको यूज कर रही हूँ। इसका फेस वॉश भी यूज की हूँ, उसका भी रिव्यू शेयर की हूँ, और इसका एलोवेरा जेल भी रिव्यू शेयर की हूँ। वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। ये देखिए इस तरीके का ये पैकिंग दिखेगा, डब्बा है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। पैकिंग तो बहुत ही क्यूट सा पैकिंग है इसको, दिखाते हैं अंदर में मास्क। मैं पूरा मास्क यूज कर गई हूँ, मेरा देखिए पूरा खाली हो चुका है डब्बा है। ऐसे देखने में तो लगता है कि काफ़ी बड़ा होगा, पर ये बड़ा नहीं है। इतना बड़ा पैकिंग दिखता है, पर ये हाफ ही है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है, धीमा धीमा इसमें से खुशबू मिलता है। इस फेस मास्क को धोने के बाद आपको ठंडा ठंडा सा स्किन लगेगा। मुझे तो गर्मी में अच्छा लग रहा है, मैं इसको पूरा यूज कर गई। इस पे भी आपको पूरा चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा, प्रोडक्ट में पूरा मेंशन रहता है। आपको ये नहीं भी रहेगा तो इस पे देख सकते हैं आप। पैक तो इतना अच्छा है, ये 100 ग्राम इसमें प्रोडक्ट था, ख़त्म हो चुका है मेरा। थोड़ा एक्सपेंसिव भी लगता है मुझे, अगर थोड़ा मामा अर्थ का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना रहता है, मुझे तो अच्छा लगता है। इसका प्रोडक्ट सूट भी करता है। अगर आप लोगों ने इसे यूज किया है तो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, मैं देखिए पूरा यूज कर गई, तब जाकर रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अच्छा लगा इसका। अगर हल्दी चंदन पैक का मैं और भी रिव्यू शेयर की हूँ अदर ब्रांड का, वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। और ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है मैं सभी का लिंक दे दूँगी। मैं इसको वेबसाइट से ख़रीदी थी, और ऐसे ही मैं इसका मामा अर्थ का एक हॉल वीडियो भी शेयर की हूँ, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर।
ये पैक आपको जैसे एक्नी पिंपल्स के निशान रह जाते हैं, ब्लेमिश है आपके फेस पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वाले एरिया है, सारे प्रॉब्लम्स को ये ठीक करेगा। सन टैनिंग को भी ही ये ठीक करेगा। सन टैनिंग की वजह से भी स्किन डल दिखने लगती है, रफ दिखने लगता है, उस प्रॉब्लम को भी ये ठीक करेगा। सैफ्रॉन है, टर्मरिक है। टर्मरिक तो एक्नी का तो बहुत अच्छा फाइट करता है एक्नी से लड़ने में। सैफ्रॉन स्किन को निखारता है। ये सारे इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट डला है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम खत्म होगी। तो इसको नेचुरल स्किन पे ग्लो लाता है ये। इसके साथ आप फेस वॉश भी इसका यूज कर सकते हैं, मैं उसका भी रिव्यू शेयर की हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर, वो भी बहुत अच्छा है। मैं साथ में यूज करती हूँ इसका फेस वॉश ये मास्क, और दोनों ही मुझे अच्छा लगा प्रोडक्ट। देखिए इसके साथ एक स्पैचुला भी मिलता है, ये इस तरीके से लगाने के लिए, मैं दिखाने भूल गई थी इसको। इससे भी आप लगा सकते हैं लेकर, लेकिन मैं फिंगर से ही लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, आराम से लग जाता है जल्दी जल्दी। इसका तो यूज ही नहीं होता है मेरे पास, इससे भी लगता है आराम से लग जाता है, मैं लगाई हूँ इससे भी। और ऐसे फेस मास्क लगाने का मतलब आपकी स्किन पे फाइन लाइन नहीं बनेगा, झुर्रियाँ नहीं बनेगी आपकी स्किन पे। फेस मास्क हमेशा आप लगाते रहेंगे ना तो आपकी स्किन टाइट रहेगी। फ्रेंड्स यही है मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।